हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO, WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी है कि हर एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल एंड सोशल, हर तरीके से वेलबींग होना चाहिए, फिट होना चाहिए पर्सन, उसे क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। और रिप्रोडक्टिव सोसाइटी कैसे कहेंगे? जिस सोसाइटी में ये सब चीज़ें नॉर्मल हो, जैसे कि इन एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे फिजिकली मींस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर नॉर्मल होनी चाहिए, फंक्शनली मींस फंक्शनली जो फंक्शन नॉर्मल कर रहे हों, और इमोशनली और बिहेवियरली भी पर्सन में इंटरेक्शन नॉर्मल होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सोसाइटी। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री, वर्ल्ड वाइड फर्स्ट कंट्री था जिसने 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चालू किया। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इन्होंने नाम क्या दिया? RCH। RCH मीन्स रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ओके, रिया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ही आएगा इसका, ओके। तो RCH के क्या क्या एम और स्ट्रेटजी है, क्या क्या वर्क करने होते हैं RCH को, तो वो मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को। तो RCH के एम्स और स्ट्रेटजी क्या क्या होती है, तो RCH सबसे पहले तो अवेयरनेस रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अवेयरनेस बताना, जैसे स्कूल लेवल पे सेक्स एजुकेशन बताना स्कूल लेवल पे, ओके, और जो पब्लिक है उसे एजुकेटिंग करना, जैसे किस किस के बारे में एजुकेट करना कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर क्या क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होती है, एबनॉर्मल क्या होती है, एडोलेसेंस एज क्या होती है, प्यूबर्टी की एज क्या होती है, और प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ओके, और सेफ सेक्स के बारे में एजुकेट करते हैं। तो ये जो एजुकेशन करते हैं ये किसके थ्रू करते हैं? प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल, ये सब के थ्रू पब्लिक को एजुकेट करते हैं। सेफ सेक्स मीन्स सेक्सुअली, जो कोई पर्सन अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसको तो कंडोम यूज़ में लेना चाहिए, ओके। STD के बारे में बताना, STD में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ओके। इसके इस लेक्चर के लास्ट में बताऊंगी STD कौन कौन सी होती है। अबॉर्शन के बारे में समझाना, अबॉर्शन का मतलब होता है कि प्री मेच्योर बेबी का बर्थ हो जाना, ओके। और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के बारे में बताना, क्या क्या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम नॉर्मल होती है, क्या एबनॉर्मल होती है। इनफर्टिलिटी के बारे में एजुकेट करना, ओके। और जो भी फर्टाइल कपल है, फर्टाइल कपल मीन्स जो जिनकी की अभी रिसेंटली मैरिज हुई है या जिनकी मैरिज होने वाली है, उनको बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में बताना कि क्या क्या ऑप्शन होते हैं। एंटीनेटल केयर के बारे में बताना, यानी प्रेग्नेंट होने के बाद 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड में उनकी देखभाल कैसे की जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। पोस्टनेटल, बेबी के बर्थ के बाद क्या क्या ध्यान रखना होता है, कैसे उसको नरिश करना होता है, कैसे फीड करना होता है, और स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसके बारे में बताना, कोलोस्ट्रम के बारे में, ओके। और उनको ये अवेयर करना कि मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जनरली क्या होता था कि पुराने ज़माने में क्या है कि फीमेल ही फीमेल हो जाती है, तो उसे क्या डिफरेंस क्रिएट करते थे पेरेंट्स कि हमें तो मेल ही चाहिए। तो इस तरीके की जो गलत वो जो बने हुए हैं ट्रेंड, उनको ख़त्म करना, ओके। और ये जो ट्रेंड बने हुए हैं फीमेल को
मतलब एजुकेशन नहीं देना, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलना, ये सब ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? जो सेक्स डिटर्मिनेशन के मेथड हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के मेथड बंद करने चाहिए। पुराने ज़माने में सेक्स डिटर्मिनेशन का मेथड होता था एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस की मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, और सोनोग्राफी से पता लगा सकते हैं। तो ये मेथड सब बंद होने चाहिए, रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए पब्लिक को। ओके, देन बच्चे का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? उसका इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ओके, डिजीज़ से बचाने के लिए मदर को एजुकेट करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बताना चाहिए। ओके, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए एजुकेट करना चाहिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है कि कम ड्यूरेशन में एकदम से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का बढ़ना, दो दो तीन तीन चार चार बच्चे होना, तो उससे क्या होता है एकदम से पॉपुलेशन बढ़ जाती। एक समय था जब बहुत ज़्यादा एकदम से पॉपुलेशन बढ़ी थी। ओके, तो उसे क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए गांव में पब्लिक को एजुकेट करना कि हम दो हमारे दो, यानी केवल दो ही बच्चे होने चाहिए, और अर्बन एरिया जो होते हैं उनमें एक सिंगल चाइल्ड नॉर्म बताना चाहिए कि एक ही चाइल्ड बहुत होता है, और मैरिजेबल एज के बारे में एजुकेट करना चाहिए कि लड़की 18 साल की हो और लड़का 21 साल का हो तभी शादी करनी होती है, उसके पहले नहीं करनी होती है, तो इसका लीगल एस्पेक्ट बताना चाहिए। ओके, तो ये सब कौन काम करता है? RCH। ओके, तो कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बने हुए हैं और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए वर्क करते हैं, विलेज में जा जा के और सिटी में, टाउन में। ओके, तो इस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करना, ये काम होता है किसका? RCH का। ओके, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और कोई भी क्वेश्चन या कमेंट अराइज होता है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके।